मुझे एहसास है कि देश के करोड़ों गरीबों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम भी मिल पाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा। गरीब के उन हालातों में जितना पैसा मिलता है उससे इतनी बचत तो नहीं हो पाती है कि पूरा बुढ़ापा कट जाए। निश्चित रूप से उम्र के उस पड़ाव में जब आय का कोई साधन न हो तो वो दिन बहुत पीड़ादायक होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। और दुर्भाग्य से ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जब अपने ही जिनको बड़ा किया है, जिनके लिए जिंदगी खपाई है, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। भाइयों और बहनों, यही पीड़ा मेरे मन मस्तिष्क में थी और उस पीड़ा में से ही इस योजना ने जन्म लिया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद के इतिहास की यह पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जिनको अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। नारे खूब लगाए गए, राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, किसी ने गरीबी हटाने के नारे लगाए, कुछ लोग अपने आप को मजदूरों का मसीहा कहने लगे। इस देश में कई राज्यों में कम्युनिस्टों को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कभी असंगठित मजदूरों के लिए ऐसी योजना नहीं बनाई। गरीबों के नाम पर वोट बटोर लेने वालों ने 55 साल देश पर राज किया, उनको ये योजना याद नहीं आई। 55 महीने में एक चाय वाले के बेटे ने गरीबों की सुनी और योजना बना दी। कारण क्या, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कारण साफ है, नियत में खोट। और इसलिए आप सभी के लिए ऐसी पुख्ता योजना लेकर के, ये आपका मजदूर नंबर वन, मैंने लाल किले से कहा था मैं देश का मजदूर नंबर वन हूं। साथियों, पहले जिस दल की सरकार थी, जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, वो जब गरीब को एक मानसिक अवस्था समझे, आप देखिए कैसे नेता है, ऐसे नेता 55 साल राज किया और टीवी इंटरव्यू में कहते हैं, भाषण में कहते हैं, गरीबी बरीबी कुछ नहीं होती है, ये तो एक मानसिक अवस्था होती है। अरे जिनके लिए गरीबी सिर्फ फोटो खिंचवाने का खेल होता है, जिसने कभी भूखे पेट रात को सोना पड़े तो कैसे रात कटती है, इसका जिसको पता नहीं है, उसके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है।